एवरीवन, आपके सक्सेसफुल होने के लिए एंटीसिपेटिंग नेगेटिविटी को आपको जो है नेगेटिव की तरफ जो भी आपको लेके जा रहा है आप उसको टैकल करें और उसको लिए आप प्लान बनाएं, प्रिपेयर हों और फिर जो है अपने जो क्लियर माइंड के साथ तो उसको नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें। आपको सक्सेसफुल होने के लिए परसेवरेंस बड़ी ज़रूरी है, बहुत जल्दी क्विट ना करें, थोड़ा थोड़ा करके अपनी कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ाते जाएं और इतनी जल्दी गिव अप हरगिज ना कहें। आपका जो माइंड सेट है वो क्विटर माइंड सेट नहीं होना। सबसे पहले जो है आपको ये समझना होगा कि क्विट करने में कोई वो नहीं है, जो क्विट कर गया वो ही फेलियर सबसे बड़ा होता है। इसलिए इसको कन्वर्ट करें कि प्रेफरेंस आप हमेशा कुछ ना कुछ अपने लिए इम्प्रूवमेंट करते रहें। अगर आज कामयाबी नहीं मिली तो कल को इस जो कोशिश से ज़रूर किसी न किसी चीज़ में कामयाबी मिलेगी। अपनी जो अपने आप को देखें, एनालाइज करें और जो है क्या नाम है इसको बेहतर करने की कोशिश करें। हर नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव करें। अपने आप को जब आप कोई गोल सेट करें उसको अचीव कर लें, उसके बाद अपने आप को किसी न किसी तरीके से रिवार्ड करें। रिवार्ड किसी न किसी तरीके से, यानी अपने आप को ट्रीट देने, कोई नए कपड़े खरीदने या कुछ भी इस तरह का, जिससे आपको खुशी होती रहे और आप इसमें इस काम को जारी रखें। अपने स्मॉल जो गोल्स को लार्ज गोल में कन्वर्ट करें। छोटे छोटे से ही बड़ा दरिया बनता है और इस तरह है कि जिस तरह आप इम्प्रूव करें इसको ब्लॉगिंग करते रहें, ठीक है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आपको कोई तरीका मिल जाएगा जिससे आप अपनी तकलीफ नहीं रखेंगे, दूसरों को भी बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। इससे अपना भला तो सबका भी भला, इससे कोई ना कोई रास्ता निकलता रहता है और वैसे भी आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। थैंक यू।